साफ साफ नजर आ रही है। ये ज़ेब्रे खड़े हुए हैं, ये देखें कितना पास कबूतर वगैरह पड़े हुए हैं माशाल्लाह। इधर इन्होंने बहुत ही अच्छे से अस्सलाम वालेकुम, मैं मेहदी हसन, आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हो मेहदी व्लॉग्स 5। और शुरू करते हैं आज की मज़ेदार वीडियो। और वीडियो शुरू करने से पहले मेरी आप सब दोस्तों से गुजारिश है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को दबा दें, क्योंकि मेरी आने वाली नई वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँचे। शुक्रिया। और आज जो है ये मैं आपको मिनी ज़ू की सैर करवाता हूँ। ये माशाल्लाह बखर की मशहूर तरीन जगह है मिनी ज़ू बखर। तो ये देखें, इसमें काफ़ी ज़्यादा परिंदे हैं, इसमें मुख्तलिफ किस्म के परिंदे बने हुए हैं। और अब चलते हैं उधर दूसरी तरफ, वहाँ पे जानवर वगैरह हैं, आपको सब उसका विज़िट करवाते हैं। यहाँ पे सारी हिरन है, और ये देखें ये तो हिरन है और पता नहीं वो क्या चीज़ है, यहाँ पे लिखा हुआ भी इनके बारे में नहीं है कहीं पे। और इधर भी ये हिरन, यहाँ पे सफाई का तो कोई भी ख्याल नहीं रखा हुआ, और जो बाकी है ना, बाकी माशाल्लाह यहाँ चीज़ें बहुत हैं। वो देखते हैं वो क्या है, माशाल्लाह ग्रीनरी ग्रीनरी है। ये पता नहीं इसका उधर लिखा हुआ होगा, पता नहीं ये क्या चीज़ है, मुझे भी खुद इसके बारे में नहीं पता कि ये पता नहीं क्या चीज़ है। ये अगर आप दोस्तों को पता हो तो इसके बारे में मुझे कमेंट्स कर दें। माशाल्लाह ये यहाँ पे सीटिंग है बैठने की जगह, और ये भी उसी के साथ गए, लेकिन इसका जो सर है ना वो ब्लैक है, उसका जो सर था वो वाइट था। तो शितर मुर्ग हैं कि मेरे ख्याल से वही नहीं, ये हो गए वो। और अब चलते हैं इसकी दूसरी साइड पे जाकर वहाँ पर मिलते हैं। माशाल्लाह ये इधर बांदर हैं और ये हिरन खड़ा हुआ है, ये बांदर है। और ये जो यहाँ का व्यू बहुत ही प्यारा व्यू है, और ये जो व्यू है ये माशाल्लाह यहाँ का सबसे ही प्यारा व्यू है, यहाँ से बहुत ही अच्छी वीडियो बनती है। और ये वो जगह है इसकी दूसरी साइड, यहाँ पे ये ज़ेब्रे खड़े हुए हैं, ये देखें कितना पास है, ये देखें ज़ेब्रे खड़े हुए हैं। ये इसके बारे में थोड़ी बहुत इंफॉर्मेशन है, पता नहीं क्या है ज़िंदगी के बारे में। और इसकी दूसरी साइड पे, अच्छा वैसे ये बात इधर भी हिरन है, इन लोगों के पास में है तो यही कहता हूँ कि बस हिरन के अलावा कुछ भी नहीं है, सारे हिरन है, वो दूसरी साइड पर बस जाते भी नहीं हैं। अगर वो देखें गौर से आपको हिरन नज़र आ रहे हैं, बस उनके अलावा तो मेरे ख्याल से तो हिरन है, पता नहीं आगे हिरन नहीं है या नहीं कोई और चीज़, कोई पता नहीं। और अब चलते हैं इधर यार, और बातें छोड़ो। और ये जो है ना यहाँ पे माशाल्लाह बहुत ही अच्छे परिंदे रखे हुए हैं लोगों ने, बस यही है देखने वाले, और तो मेरे ख्याल से तो कुछ भी नहीं है मज़े। ये देखें यहाँ पे इनका सेटअप भी बहुत अच्छा बनाया हुआ है। और अभी एक तो गर्मी है ना, इस वजह से ये
वो देखें कबूतर वगैरह पड़े हुए हैं माशाल्लाह। इधर ही उन्होंने बहुत ही अच्छा सेटअप बनाया हुआ है। इधर भी काफ़ी ज़्यादा परिंदे हैं, बदखी हैं और कबूतर वगैरह बहुत हैं इधर। ये यहाँ का फुल व्यू है, ये कुछ इस तरह से नज़र आता है। और अभी अजानें भी आ रही हैं, चलो फिर अजान के बाद ही मिलते हैं। अजानें आने दें और अजान के बाद ही। और ये सारा जो सेटअप है ये इनका बच्चों के लिए बनाया हुआ है। और यहाँ पर जो बच्चे आते हैं वो इधर ही अपनी इंजॉय करते हैं। ये उनका सेटअप है, परिंदे हैं। और ये देखें, ये अभी तो साफ साफ नज़र आ रहे हैं, बहुत ही है। इधर पूरी लाइन ही इनकी बैठी हुई है, मुझे इनके नाम तो नहीं आते कि नाम क्या है। और यहाँ से नीचे जाते हैं और ये जो है ये अभी मतलब कि सारा खाली है, इसके अंदर जाते हैं तो सही लेकिन पता नहीं इधर क्या करने गए हो, तो इसलिए अच्छा है कि हम इधर नहीं जाते। वैसे यहाँ पे तो काफ़ी बुरी हालत में है और बाकी सब चीज़ें अच्छी हैं, लेकिन यहाँ पे सफाई का बिल्कुल भी ख्याल इन्होंने नहीं रखा हुआ। सफाई का कोई ख्याल नहीं है और बाकी हर चीज़ मुनासिब है, ऐसे ही कह सकते हैं। ये यहाँ का मेन गेट है और इधर पीछे सारा इसका मेन व्यू है। और इधर तो बच्चों का कहने, वो हमारी सामने बाइक खड़ी हुई है वो सामने, और हम चलते हैं बाहर और वहाँ पर उनका बाइक लेकर आ रहा है, फिर वहाँ से घर चलते हैं। ये बाहर है DHQ हॉस्पिटल। मेरी आप सब दोस्तों से गुजारिश है कि अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। और मिलते हैं एक ब्रांड न्यू वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।